exchanging energies. Yeah. भी रहते हैं तो आपने कभी ये तो देखा नहीं होगा पोस्ट के नीचे कमेंट्स क्या आते हैं. नहीं होता टाइम. हम विले हैं, हम ये सब करते रहते हैं. हम आपको कुछ आपकी पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं जिनके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स, क्रिएटिव कमेंट्स. हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव हो गई हमारा शो देख देख के. दिखाइए जरा. टुडे मॉम, योर सन कॉट द गोल्डन सन. ओह नाइस. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं. भैया ऑर्डर लिखो. बटर चिकन और दो तंदूरी नान और डेजर्ट में रसमलाई लाना. अगला वाला पढ़ते हैं. जरूर बगल वाली गाड़ी से कोई लड़की देख रही है तभी भाई ने पोज बनाया है. भाई ऐसे नहीं है, ये बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान है. ऐसा बिल्कुल कमेंट ना करें आगे से. और आगे दिखाइए. बंदा कमिटेड है, शूटिंग पे लेट हो गया तो फोन के आगे ही एक्टिंग शुरू. बहुत आगे जाएगा. चंडीगढ़ से मुंबई तो आ गया, अब क्या श्रीलंका जाएगा. जब गाड़ी लोन पे हो और ठुक जाए. Wow, it's not what you look at that matters. It's what you see if you change the way you look at things so long. Let's read the comments. एक सेकंड, ये सर क्या मतलब है? ये पोइट्री है या आपने कहीं लिखा पढ़ा था तो आपने इधर चेप दिया? इसका मतलब क्या है सर? अब तो मुझे गलती लग रही है. Hashtag throwback. आइए कमेंट्स पढ़ते हैं. ऐसे प्राणी बर्फ वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं. भाई साहब ठंड से बचना है तो बच्चन साहब वाला थर्मल पहन लो. तो फिर बच्चन साहब क्या पहनेंगे? बच्चन साहब वाला थर्मल क्या ऐड करते होंगे ना? हाँ, ऐड करते. आगे आगे दिखाइए. जब वेकेशन के टाइम पे ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो और कैमरा ऑन हो जाए तब यही होता है. बाबा आपका नाम क्या है, आप कौन सी गुफा में पाए जाते हैं? मुंह पे तो दाढ़ी रखी रखी है, सर पे भी दाढ़ी रखी है. दिखाइए आगे. और जिस रास्ते पे कोई चलता नहीं वो रास्ता हम पकड़ लेते हैं और उस पर बैठ भी जाते हैं क्योंकि उस रास्ते पर कोई आएगा भी नहीं. The roadless travel. हाँ जी, कमेंट्स पढ़ते हैं फिर. मेरे भी ऐसे ही ख्याल आते हैं जब मैं 4 पैक डाउन होता हूं. जब सड़क बनी है तो लोग आएंगे भी, अभी गाड़ी आएगी उठ जाओ. इतने बड़े लोगों को रास्ते पे नहीं आना चाहिए, काम करो अच्छा वक्त भी आएगा, सब ठीक हो जाएगा. और दिखाइए. और भी है. ज्यादा पैसा मांगने पे प्रोड्यूसर ने दोनों को गाड़ी से उतार दिया. ओह वाह मैन, सफेद से एक चांद पे. पाजी ये बड़ी खूबसूरत पोएट्री है, आप ही पढ़े प्लीज प्लीज. सफेद से एक चांद पे शाम श्वेत से कुछ दाग हैं, अनसुनी मेरी आवाज थी कुछ अलग ही मेरा राग है. खुद की खोज में जुटा रहा ये अजीब ही फिराक है. गिर गिर के सीखा हूँ मैं क्या नसीब है क्या भाग है. वेरी नाइस, ब्यूटीफुल पाजी, क्या भाग. आइए नीचे क्रिएटिविटी देखते हैं. दिखाइए जरा. आपकी इस शायरी में सफेदी की चमकार है, थोड़ा इसमें समीर है, थोड़ा सा गुलजार है. सर आप एकदम गजब लग रहे हो, हॉलीवुड का कंपाउंडर. और दिखाइए. सर रेलवे की 8 सफेद चादरें गायब हैं. लगता है कल रात को क्रिश वॉशिंग मशीन में धुल गया.